एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन द सीरीज ऑफ द कैलकुलेशन ट्रिक। तो बच्चे, मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस आपकी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के ऊपर बनाई हुई है एंड अभी मैं जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक यहाँ पे यूज हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग नए हुए इस चैनल पे तो आप लोग प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए कैलकुलेशन ट्रिक, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस द स्क्वायर ट्रिक्स फ्रॉम द 25 to 75। बिकॉज अगर आप वो वीडियो पहले देखेंगे एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको ट्रिक ऐसे फटाफट फिंगर टिप पे याद हो जाएगी, ठीक है। एंड आपकी जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे, क्योंकि आपके पास अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में और कॉन्फिडेंस के साथ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे, और प्लीज अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के यहाँ पे आने वाली है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आने आ जाए, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है मेरी साइड से या एग्जाम वालों की साइड से, तो वो आपको अप टू डेट रहे आप, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग 75 to 125 के स्क्वायर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे, हाइजीन फैक्टर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 1 to 25 तक के स्क्वायर्स आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक बेस वैल्यू लूंगी, तो बेस वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पे 100। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके पास 93, आपको 93 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे सिंपल रूल है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द बेस, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे बेस से डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लंबा लगे, बट फिर देखना जैसे 25 to 75 आप ऐसे चुटकियों में निकाल लेते हो अब स्क्वायर्स, अब इसमें भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द बेस, डिफरेंस फ्रॉम द बेस यहाँ पे कितना है, डिफरेंस फ्रॉम द बेस है यहाँ पे आपके पास में 7, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द बेस है यहाँ पे आपके पास 7। उसके बाद आप इस डिफरेंस का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि जो आपके पास डिफरेंस के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट ही आपके नंबर के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट होगी, ठीक है। डिफरेंस के स्क्वायर की जो लास्ट टू डिजिट होगी वो आपके नंबर के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट ले लेंगे और यहाँ पे तो है ही टू डिजिट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका नंबर लेस देन 100 है। इफ नंबर इज लेस देन 100 तो यहाँ पे बच्चे हम लोग नंबर माइनस डिफरेंस करेंगे। आप बोलेंगे मैम अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन 100 हो तब आप नंबर प्लस डिफरेंस करेंगे और आपका यहाँ पे आंसर बना देंगे। तो 93 माइनस 7 अगर आप यहाँ पे करोगे तो यह जाएगा 86। So, आंसर हो जाएगा 8649। तो 93 का स्क्वायर क्या है, 93 का स्क्वायर आया 8649। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, रुको अभी, जस्ट सपोज मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है 98 का, तो डिफरेंस फ्रॉम द बेस आप बोलेंगे मैम 2 है, डिफरेंस फ्रॉम द बेस इज 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो लास्ट में एक ही डिजिट आई है, बट यू सेड कि डिफरेंस के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट आपको लेनी है, तो यहाँ पे बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक डिजिट आती है तो आप 0 लगा दीजिए, 2 डिजिट आती है तो एज इट इज रख दीजिए, और अगर 3 डिजिट आएगी तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 04, सो 98 के स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो आपके पास 04 होगी। अब आपका जो नंबर है वो लेस देन 100 है, तो हम क्या करेंगे 98 माइनस डिफरेंस करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 96। सो योर आंसर विल बी 9604, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 89, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपके पास 11। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। सो द इन द स्क्वायर ऑफ द 89 जो आपके पास लास्ट टू डिजिट होगी वो आपके पास 21 होगी। 1 का क्या करना है मैम, चलो देखेंगे। अब बच्चे 89 आपके पास लेस देन 100 है, तो हम 89 माइनस डिफरेंस कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 78, एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर, सो आंसर हो जाएगा 7921। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस 12 है, 12 को स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 144। So the last two digit in the square of the 112 will be 44.
नाउ योर नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 100 है तो 112 में प्लस 12 कर देंगे तो ये वैल्यू 124 एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 12544। ठीक है, आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12544। क्लियर है सभी को? तो अभी तो मैंने आपको मेथड से बताया, अब हम फटाफट फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस फ्रॉम द बेस फाइंड आउट करना है, उस डिफरेंस का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। अगर सिंगल डिजिट है तब आप जीरो लगा देंगे, अगर दो डिजिट है तो आप वहां पे एज इट इज रख दीजिए, और अगर थ्री डिजिट आई है तब आप एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। इफ द नंबर इज लेस देन 100 तो नंबर माइनस डिफरेंस, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 तो नंबर प्लस डिफरेंस हो जाएगा, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड है तो उसके पास हम कैरी कर देंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे चार पांच एग्जांपल्स लिखूंगी, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप पहले अपने आप से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि हमने कितना क्विकली सॉल्व किया है। तो जैसे मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है 86 का स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है 114 का स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है जस्ट सपोज यहाँ पे 83 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 117 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं 118 ले लेती हूँ, 118 का स्क्वायर, आपको यहाँ पे मान लीजिए फाइंड आउट करना है 121 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 103 का स्क्वायर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एंड देन स्क्रीन पे चेक करना कि मैम का आंसर क्या है। तो हम फटाफट करेंगे, इन केस ऑफ 86 डिफरेंस फ्रॉम द 100 इज 14, तो 14 का स्क्वायर 196, so the last two digit in the square of 86 will be 96, right? अब 86 is less than 100, तो 86 minus 14 कर देंगे, तो 72 plus 1, तो ये बन जाएगा 7396। बच्चे 25 to 75 में हम 25 minus difference या 25 plus difference कर रहे थे, यहाँ पे बस minus का change यही है कि अगर number less than 100 है तो हम नंबर माइनस 100 नंबर माइनस डिफरेंस करेंगे एंड इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 तब हम नंबर प्लस डिफरेंस करेंगे, करेक्ट है। सो इन केस ऑफ 114 डिफरेंस कितना, आप बोलेंगे मैम 14 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 196, सो द लास्ट टू डिजिट इज 96, हियर नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो 114 प्लस 14 128, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर हो जाएगा 12996। ठीक है, देखो कितना कितना फास्ट आंसर आ रहा है। 83 में डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे 17 का स्क्वायर 289, सो द लास्ट टू डिजिट विल बी 89। अब 83 माइनस डिफरेंस कर देंगे, 17 है आपके पास में, तो ये वैल्यू 72 प्लस 2 विल बी द कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 7489, राइट। अब जैसे ये देखो 118 डिफरेंस 18 है, 18 का स्क्वायर होता है 324, so the last two digit will be 24. अब 118 is greater than 100, तो 118 plus 18 136, 3 carry forward हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 13924. ठीक है, 13924. 121 के केस में डिफरेंस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, so the last two digit will be 41. अब ये नंबर ग्रेटर देन 100 है तो 121 प्लस 21 142 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास कैरी फॉरवर्ड, तो आंसर बनेगा 14641। देख लो कितना इजीली यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। 103 के केस में डिफरेंस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बट दिस इज अ सिंगल डिजिट, तो आप 0 लगा देंगे तो 09 होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 100 तो प्लस कर देंगे 106 आ जाएगा, सो आपका आंसर बनेगा 10609। तो बच्चे अगर आपको 75 से लेके 125 के बीच में कोई भी स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस फ्रॉम द बेस, डिफरेंस का स्क्वायर कीजिए, अगर सिंगल डिजिट है एज इट इज पुट करो, अगर टू डिजिट है तब आप वहां पे सिंगल डिजिट है तो जीरो लगा दीजिए, टू डिजिट है तो एज इट इज रख दीजिए, और थ्री डिजिट है तो एक डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कहां पे, इफ नंबर इज लेस देन 100 देन नंबर माइनस डिफरेंस होगा एंड इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 तो नंबर प्लस डिफरेंस हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड अगर है कोई तो उसके पास, बस वहां से आपका आंसर आ जाएगा। सो डू द सफिशियंट प्रैक्टिस ऑन दिस कंसेप्ट एंड आई एम सीरियसली
मतलब आप लोगों से बोल रही हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कैलकुलेशन में, लेकिन तभी हेल्प करेगा जब आप यहाँ पे इसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 125 देन हाउ विल यू फाइंड आउट द स्क्वायर इन अ वेरी वेरी क्विक अप्रोच। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय। और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।